is more than just friendship. You're so young, I'm far too old. And what matters is that we have a connection, nothing else. I will never. What's up, guys? Welcome back to Bollywood Masala. Today, I'm going to recap 2014 era romantic drama movie named The Mate. Let's begin. मूवी की शुरुआत होती है और हमें 18 साल के लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम जैक होता है। जैक अपने फादर के घर छुट्टियां मनाने जा रहा होता है। जैक के फादर का नाम डेविड है। जैक और इसके फादर डेविड के दरमियान रिलेशनशिप कुछ अच्छी नहीं है। घर आने पर जैक के फादर डेविड इससे बात करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उससे अच्छी तरीके से बात नहीं करता और वहाँ से गुस्सा से होकर चला जाता है। और फिर अगली सुबह जब जैक अपने कमरे की बालकनी में बैठे स्मोकिंग कर रहा था तब उसे नीचे में एक औरत नज़र आती है। वो इस औरत की तरफ बहुत अट्रैक्ट होता है और फिर नीचे आकर उसे ढूंढने लगता है। इस वक्त डेविड वहाँ आता है और फिर इसे बताता है कि ये लेडी इसके घर की मेड है और इसका नाम मारिया है। मारिया 40 साल की है और डेविड और जैक मारिया को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाता है। इसके बाद जैक फोटोग्राफी करता है और अपने कैमरे के साथ फोटोग्राफी के लिए निकल जाता है क्योंकि उसे फोटोग्राफी का बहुत शौक था। घर आने के बाद वो दोबारा मारिया से मिलता है और फिर मारिया से बात करने की कोशिश करता है। जैक इसे बताता है कि जब वो यंग था उसकी माँ का डिवोर्स हो गया और फिर इसके बाद इसके फादर ने दूसरी शादी कर ली। जैक अपनी सौतेली माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और इस वजह से जैक अपने फादर से बहुत नाराज़ रहता था। अगले दिन फिर जैक फोटोग्राफी करने के लिए निकलता है। फिर इसे वहाँ एक लड़की मिलती है और इन दोनों के दरमियान काफ़ी बातें होती है। लड़की इसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती है। जब ये दोनों बातें कर रहे थे तो वहाँ से मारिया अपने साइकिल से गुजरती है और इन दोनों को बातें करते हुए देख लेती है। फिर जैक उस लड़की को इग्नोर करते हुए घर वापस आ जाता है। जब वो घर आता है तो वो चुपके से मारिया की तस्वीर लेने लगता है। इसके बाद वो मारिया से किचन में मिलता है और मारिया उससे उस लड़की के बारे में पूछती है। फिर मारिया पूछती है कि वो इतनी जल्दी घर क्यों आ गया, इससे लड़की के साथ ज़्यादा वक्त गुजारना चाहिए था। आहिस्ता आहिस्ता जैक मारिया की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगता है और वो दोनों बहुत ज़्यादा बता और इसे बताता है कि वो उसकी माँ की तरह बिल्कुल लगती है। मारिया जैक के साथ बहुत बातें करती है और वो उसे अपने पास के बारे में बताती है। वो जैक को बताती है कि जब वो 16 साल की थी तब वो प्रेगनेंट हो गई थी। हालत में इसके बॉयफ्रेंड ने इसे छोड़ दिया था लेकिन इस सब के बावजूद उसने एक लड़के को बर्थ दिया और सबसे अफसोस की बात यह है कि वह बच्चा अब मारिया के साथ नहीं है। अब आहिस्ता आहिस्ता दोनों एक दूसरे को साथ अपने दुख शेयर करते हैं। वहाँ डेविड जैक के साथ अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाने की कोशिश करता है लेकिन अपने बहुत सारे कामों की वजह से वो बहुत बिजी होता है इसलिए वो जैक को वक्त नहीं दे पाता। जब वो जैक से बातें करता है तो जैक इससे अच्छी तरह से बात नहीं करता है, उस पर गुस्सा करता है। अगले दिन डेविड अपने काम की वजह से शहर से बाहर चला गया। मारिया और जैक अब घर में अकेले होते हैं। मारिया जैक को समझाती है कि डेविड इसे बहुत प्यार करता है, उसे उससे अच्छे से बात करनी चाहिए। इस रात सोते हुए जैक अपने कैमरे में मारिया की तस्वीर देखता है और फिर से इमेजिन करने लगता है। अगले दिन मारिया का एक्स बॉयफ्रेंड मारिया से मिलने घर आता है। फिर मारिया अपने एक्स बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती और इधर जैक चुपके से इन दोनों की बातें सुन रहा होता है। मारिया का एक्स बॉयफ्रेंड मारिया से कहता है कि वो अब भी उसे बहुत प्यार करता है, अगर वो चाहे वो अब भी एक साथ नए सिरे से शुरुआत कर सकते हैं लेकिन मारिया इसके साथ नहीं रहना चाहती थी, इस वजह से इसने इसे इनकार कर दिया और उसके बाद मारिया का बॉयफ्रेंड वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जैक का बर्थडे होता है। जब जैक सुबह किचन में जाता है और मारिया इसे बर्थडे विश करती है लेकिन जैक इसे बताता है कि वो इसे गले लगाना चाहता है और उसे टच करना चाहता है। ये सब सुनकर मारिया को बहुत अजीब लगता है और वो इनकार कर देती है। मारिया के इनकार के बावजूद जैक इसे छूने की कोशिश करता है, फिर मारिया इसे थप्पड़ मार देती है। जब दरवाजे की घंटी बजती है तो मारिया जाकर दरवाज़ा खोल देती है। फिर बाहर एक लड़की होती है, ये वही लड़की थी जिसे जैक बातें कर रहा था। फिर जैक इस लड़की के साथ बाहर चला जाता है। इसके बाद जैक किस लड़की इसके साथ ज़्यादा वक्त नहीं गुजारता और घर वापस आ जाता है। वो घर आता है तो वो देखता है कि मारिया रो रही होती है। इसके बाद वो इसके पास जाता है और इसे बात करने की कोशिश करता है। जैक मारिया को बताता है वो इसके बेटे की तरह है और वो इससे गले लगना चाहता है। ये सुनकर वो राज़ी हो जाती है और फिर ये दोनों गले मिलते हैं। भी जैक इसे छूने लगता है लेकिन अब मारिया को यह सब पसंद आने लगा था और वो जैक को छूने से नहीं रोकती। इन सब के दरमियान थोड़ी देर बाद मारिया जैक को रोककर वहाँ से चली जाती है। फिर जैक इसके पीछे जाता है और मारिया इसे बताती कि यह सब गलत है, मैं 40 साल की हो तुम सिर्फ 18 साल के हो, हम दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है। फिर जैक अपनी बातों से मारिया को समझाने की कोशिश करता है और मारिया राज़ी हो जाती है। फिर दोनों यहीं पे इंटीमेट होते हैं। मारिया फिर जैक को समझाती है कि उसे अपने फादर के साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए।
फिर अगली सुबह जब मारिया किचन में काम कर रही होती है तब जैक पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है और इतने में इसका फादर घर आ जाता है और फिर दोनों जल्दी से अलग हो जाते हैं। डेविड जैक को बर्थडे विश करता और उसे अपने बर्थडे का गिफ्ट देता और फिर इसने जैक को अपने साथ खाने पर इनवाइट किया था। जैक रात के खाने पर जाने से इनकार कर देता और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। मारिया उसके पास जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसे अपने फादर से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। फिर उसी रात जैक अपने फादर के पास जाता है और फिर दोनों के बाद ये दोनों काफ़ी ड्रिंक करते और अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं। यहाँ डेविड को मालूम होता है कि इसका बेटा यह सोचता है कि इसने दोबारा शादी इसलिए की क्योंकि वो इसकी माँ से प्यार नहीं करता था। फिर डेविड ने जैक को ये बताता है कि इसने दूसरी शादी इसलिए की ताकि वो तुम्हारा ख्याल रख सके। आखिर में डेविड जैक से कहता है कि वो इसे बहुत प्यार करता है और वो हमेशा करता रहेगा। फिर डेविड सो जाता है। फिर अगले दिन मारिया और जैक दोनों एक पार्क में जाते हैं और साथ वक्त गुजारते हैं। फिर मारिया इसे अपने घर लेके जाती है, उसका घर करीबी था, और जैक को बताती है कि इसका बेटा बचपन में एक रोड एक्सीडेंट में मारा गया। ये सुनकर जैक इसे गले लगा लेता और फिर दोनों वहीं पर इंटीमेट होते हैं। इसके बाद जैक घर आता और पहली बार वो अपने फादर से अच्छे से बात करता है। डेविड भी बहुत खुश था जैक को अच्छी तरह से बात करते हुए देखकर। अब जैक की छुट्टियां ख़त्म होने वाली थी और इसके वापसी का वक्त आ गया था। जैक फिर अपना सामान पैक करता है और जाने से पहले मारिया से मिलकर उसे गुड बाय किस करता है। इसके बाद वो अपने फादर से मिलता और उसे गले लगा लेता और फिर हमें यह मालूम होता है कि जैक डेविड को माफ़ कर देता और इसके फादर और इसके बीच में रिलेशनशिप अब बहुत अच्छा हो गया था और जैक वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें मारिया को दिखाया जाता जो अपनी मॉम से मिलती है। वो अपनी मॉम को बताती है कि वो प्रेग्नेंट और इसकी माँ इसे गले लगा कर रोने लगती है और मारिया जैक की वजह से प्रेग्नेंट हो गई थी। मूवी के एंड में हमें मारिया को दिखाया जाता है जो अपनी प्रेगनेंसी को लेकर काफ़ी खुश थी और यहीं पर फिल्म एंड हो जाती।